एक्टर केआरके की बड़ी मुश्किलें। गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। गिरफ्तारी के बाद आखिर केआरके को क्या हुआ? एक्टर और कंट्रोवर्शियल क्रिटिक कमाल आर खान हमेशा से अपने विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। केआरके अपने बयानों से सुर्खियां तो बटोरते हैं, लेकिन अपने लिए मुश्किलें भी पैदा करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। 2 साल बाद दुबई से मुंबई लौटे केआरके को मुंबई पुलिस ने 29 अगस्त की देर रात को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अगले दिन यानी 30 अगस्त को उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से केआरके को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात उनके सीने में अचानक तेज दर्द होने लगा, जिसके चलते उन्हें कांदिवली के शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर मुंबई पुलिस ने केआरके को किस मामले में गिरफ्तार किया है। केआरके पर 2020 में आई अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने और सोशल मीडिया पर दो गुटों को बिठाने के लिए आईपीसी की धारा 500 और 153A के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67A भी लगाई गई है। इसके अलावा केआरके पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में भी FIR दर्ज की गई थी। मई 2020 में उन पर ऋषि कपूर और इरफान खान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं के खिलाफ भद्दी बातें कहने पर केआरके की महाराष्ट्र पुलिस से गिरफ्तारी की मांग की थी। केआरके का विवादों से पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं जब केआरके ने कोई कांड किया हो। अगर उनके सारे कच्चे चिट्ठे पुलिस ने खोले तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। उन पर एक बार मिक्का सिंह ने भी प्रॉपर्टी फ्रॉड का केस किया था। अगर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की तो केआरके की मुश्किलें और बढ़ सकती है। खैर, मामला क्या था आगे बताते हैं। केआरके और मिक्का सिंह के बीच साल 2021 में ट्विटर पर जबरदस्त वॉर देखने को मिली थी। दोनों ने एक दूसरे पर काफी छींटाकशी की थी। मिक्का ने जहां केआरके कुत्ता गाना रिलीज किया था, वहीं सुअर गाना केआरके ने रिलीज किया था, लेकिन बाद में यूट्यूब ने उस गाने को हटा दिया था और केआरके के चैनल को भी ब्लॉक कर दिया था। इन दोनों के बीच ये तकरार सलमान खान की एक फिल्म से शुरू हुई। केआरके ने सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर कमेंट किया था, जिस पर सलमान खान ने केआरके के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इसी के सपोर्ट में मिक्का सिंह ने भी केआरके पर कमेंट किया और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इसी दौरान मिक्का ने केआरके पर प्रॉपर्टी फ्रॉड का आरोप भी लगाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।